हेलो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 जैसा कि हमने सभी चार्टर एक्ट्स को समझा इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 को भी हम छह मेन हेडिंग्स के थ्रू समझेंगे बैकग्राउंड कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एडमिनिस्ट्रेशन सेंट्रल लेजिस्लेचर प्रोविंशियल लेजिस्लेचर और कुछ और पॉइंट्स तो स्टार्ट करते हैं बैकग्राउंड से यहाँ पर हम ये समझेंगे कि इंडियन काउंसिल एक्ट एटीन जब पास हुआ तो उसके पास होने के पहले के कुछ सालों में कौन कौन सी मेजर घटनाएं हुई थी क्योंकि उन घटनाओं का प्रभाव इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 पर ज़रूर पड़ा होगा और इस तरह हम उन घटनाओं और इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के प्रोविजंस को आसानी से रिलेट कर पाएंगे तो चलिए समझते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के बैकग्राउंड को आपको पता ही है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी रूल कर रही थी बट रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बाद से ही ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी की एक्टिविटीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल करना शुरू कर दिया था लेकिन फिर होता है 1857 का रिवोल्ट जिसे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है 1857 रिवोल्ट ने सब बदल के रख दिया और इस रिवोल्ट के रिस्पॉन्स में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 पास किया और इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल को ख़त्म करके खुद ही इंडिया को डायरेक्टली रूल करना शुरू कर दिया यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 द्वारा इंडिया में ब्रिटिश कॉलोनियल रूल इस्टेब्लिश हो गया तो 1858 में पूरी तरह से कंट्रोल अपने हाथ में लेने के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगा कि इंडिया में सही ढंग से रूल करने के लिए भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के समय से चले आ रहे जो कुछ सरकारी ढांचे हैं उनमें बदलाव की ज़रूरत है और इसीलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक के बाद एक तीन काउंसिल एक्ट्स पास किए इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 और इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। तो ये था बैकग्राउंड अब देखते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कंट्रोल किसके हाथ में था देखो ईस्ट इंडिया कंपनी के समय ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल कौन करता था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 पास होने के बाद कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने रिप्लेस कर दिया यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन की अब कंप्लीट रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की थी और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है ये बेसिकली ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक कैबिनेट मिनिस्टर हुआ करता था जिसके पास एक पंद्रह मेंबर एडवाइजरी बॉडी भी होती थी जो कि उसे एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प करती थी लेकिन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है वो ब्रिटेन में रहता था इसीलिए इंडिया में वाइस जो है वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के बिहाफ पर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को संभालता था तो इससे रिलेटेड इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में किसी भी तरह की कोई भी बदलाव नहीं हुए हैं तो इसीलिए हम कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक ग्रीन टिक दे सकते हैं अब बात करते हैं इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन की देखो हमने देखा था कि चार्टर एक्ट एटीन में इंडिया में जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव हेड था वो था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल हुआ करती थी जिसमें चार मेंबर्स थे करेक्ट इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आया और यहाँ पर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की जगह पर वाइस को इंडिया का ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव हेड बना दिया गया तो अब हमें ये देखना होगा कि क्या इंडियन काउंसिल एक्ट एटीन में यहाँ कोई चेंज हुआ तो इसका आंसर ये होगा कि चेंज हुआ नहीं बल्कि चेंजेस हुए क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे चेंजेस हुए सबसे पहला चेंज तो ये हुआ कि एग्ज़ीक्यूटिव काउंसिल के जो मेंबर्स की संख्या थी उसको बढ़ाया गया एक मेंबर ऐड हुआ यहाँ पर यानी अब एग्ज़ीक्यूटिव काउंसिल में टोटल पाँच मेंबर्स हो गए इसके अलावा 1867 से पहले एग्जीक्यूटिव काउंसिल जस्ट एक एडवाइजरी बॉडी हुआ करती थी बट अब इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 ने इन सभी मेंबर्स को अलग अलग पोर्टफोलियोज़ दे दिए बिल्कुल ऐसे ही जैसे आज की डेट में कैबिनेट मिनिस्टर्स हुआ करते हैं जैसे कि होम मिनिस्टर हेल्थ मिनिस्टर सेक्टर तो इसकी शुरुआत इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 से हुई थी उस समय पांच मेंबर्स थे और पांच ही पोर्टफोलियोज़ थे तो वो पांच पोर्टफोलियोज थे होम मिलिट्री लॉ रेवेन्यू और फिनेंस और इसके कुछ समय बाद यानी 1874 में एक नया पोर्टफोलियो ऐड किया गया जो था पब्लिक वर्क्स जो कि आज भी एग्जिस्ट करता है विद द नेम ऑफ पी डब्ल्यू डी पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट तो इसके लिए यहाँ पर एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एक मेंबर और ऐड किया गया यानी अब एग्जीक्यूटिव मेंबर्स की संख्या बढ़कर हो गई थी छः इसी के साथ साथ इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 ने इंडिया में पहली बार ऑर्डिनेंसेस को इंट्रोड्यूस किया वायसरॉय को पावर दी गई कि वो कुछ अर्जेंट मैटर्स में ऑर्डिनेंसेस को इश्यू कर सकते हैं मतलब अगर वायसरॉय को लगता है कि कोई अर्जेंट मैटर है जिसमें बहुत जल्दी ही कोई लॉ बनाना है तो उसमें वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल या फिर लैजिस्लिव काउंसिल के प्रोसेस में ना फंस के सिंपली एक लॉ को पास कर सकता है खुद से बिना किसी की मंजूरी के और ये लॉज बेसिकली टेम्प्रेरी लॉज की तरह काम करेंगे और छः महीने तक वैलिड रहेंगे और ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट था आप देखो कि एटीन से अब दो चल रहा है और ऑर्डिनेसज जो हैं वो आज भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट हैं और समय समय पे हमारे पर हमारे प्रेसिडेंट यूनियन गवर्नमेंट की रिकमेंडेशन पर ऑर्डिनेसज को इशू करते हैं

और ये काइंड kind ऑफ of एक मिनी पार्लियामेंट की तरह काम करता था इसके बाद आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट एटीन और यहाँ पर सिर्फ एक ही चेंज हुआ और वो ये कि गवर्नर जनरल की जगह अब वाइस रॉय को बैठा दिया गया बट इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 ने सेंट्रल लेजिस्लेचर से रिलेटेड बहुत ही मेजर चेंजेस किए एक, -एक करके देखते हैं हमने अभी थोड़ी देर पहले एडमिनिस्ट्रेशन वाले पॉइंट में देखा था कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेम्बर्स को छः कर दिया गया था करेक्ट तो एक चेंज तो यही हो गया इसके अलावा लेजिस्लेटिव काउंसिलर्स वाला जो था उसको खत्म कर दिया और उसकी जगह पर एडिशनल मेंबर्स लाए गए जिन्हें खुद नॉमिनेट करता था और इन एडिशनल मेंबर्स में से कुछ ऑफिशियल्स मेंबर्स हुआ करते थे और कुछ नॉन ऑफिशियल्स ऑफिशियल मेंबर्स आप उनको बोल सकते हो जो कि ब्रिटिश सिविल सर्विसेज या फिर ब्रिटिश मिलिट्री सर्विसेज में काम कर रहे होते थे जबकि नॉन ऑफिशियल्स मेंबर्स वो जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स नहीं थे मतलब जो सिविल सर्विसेज या मिलिट्री सर्विसेज से जुड़े हुए नहीं थे यहाँ पर एक कंडीशन ये भी थी कि जो मेजोरिटी है वो ऑफिशियल मेंबर्स की रहेगी और ये जो मेंबर्स हैं चाहे ऑफिशियल या नॉन ऑफिशियल इनकी जो टर्म थी वो थी दो साल यानी अगर कोई भी नॉमिनेट होकर आता है तो दो साल तक रहेगा उसके बाद नए मम्बर्स नॉमिनेट होकर आएंगे और उनको भी वाइस ही नॉमिनेट करेगा ऑब्वियसली और ये भी कहा गया कि ये जो एडिशनल मेम्बर्स हैं इनकी टोटल संख्या छः से बारह के बीच हो सकती है यानी मिनिमम छः हो सकते हैं और मैक्सिमम बारह अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या इंडियंस भी एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स के मेंबर बन सकते थे तो इसका आंसर है जी नहीं एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इंडियंस अलाउड नहीं थे अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे दिमाग में ये आता है तो क्या इंडियंस को एडिशनल मेम्बर्स बनना अलाउड था हाँ ये पॉसिबल था इंडियंस जो हैं वो एडिशनल मेंबर्स बन सकते थे इनफैक्ट जो पहले वाइस रॉय थे लॉर्ड कैनिंग उन्होंने तीन इंडियंस को एज अ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स नॉमिनेट किया था तो ये सारे लोग जो हम लोग अब देख रहे हैं यहाँ पर एडिशनल मेंबर्स एग्जीक्यूटिव मेंबर्स वाइस रॉय ये सब मिलाकर एटीन इंडियन काउंसिल एक्ट के हिसाब से इंडियन लॉ मेकिंग मशीनरी के पार्ट थे अगेन ये भी एक मिनी पार्लियामेंट की तरह वर्क करता था बट ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि कहने के लिए ये बहुत बड़ा चेंज था लेकिन फिर भी हमारे इतने बड़े देश के लिए सिर्फ ये पंद्रह सोलह लोग लॉ बना रहे थे और फिर ये पंद्रह सोलह लोग कोई जनता के चुने हुए प्रतिनिधि नहीं थे इन्हें तो वाइस रॉय ने नॉमिनेट किया था तो बेशक इनमें तीन इंडियंस थे बट कहा जा सकता है कि ये भी वाइस रॉय के कुछ खास आदमी ही रहे होंगे वैसे ये जो तीन नॉमिनेट होके आए थे ये वाकई में खास आदमी थे ये तीन लोग थे राजा बनारस महाराजा पटियाला और सर दिनकर राव और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इस सेंट्रल लेजिस्लेटिव में किसी भी तरह के कोई भी फाइनेंशियल डिस्कशंस अलाउड नहीं थे जैसे आज की डेट में पार्लियामेंट में बजट पेश होता है तो उसकी शुरुआत अभी तक 1861 काउंसिल एक्ट के हिसाब से नहीं हुई है तो और ना ही किसी एडिशनल मेंबर्स को किसी एग्जीक्यूटिव से कोई क्वेश्चन पूछने का हक था यानी एग्जीक्यूटिव अपने पोर्टफोलियो से रिलेटेड क्या कर रहे हैं इससे रिलेटेड एडिशनल मेंबर्स कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछ सकते थे तो हमने देखा कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव में बहुत सारे चेंजेस हुए अब देखते हैं कि प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव में कुछ चेंजेस हुए कि नहीं 1833 से पहले हमारे देश में मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी के लिए लॉ वहाँ के प्रोविंशियल लेजिस्लेचर बनाते थे बट चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में लॉ मेकिंग को सेंट्रलाइज कर दिया गया था यानी प्रोविंसेस के लिए भी सेंट्रल लेजिस्लेचर ही लॉ बनाने लगा यानी चार्टर एक्ट एटीन में प्रोविंशियल लेजिस्लेचर को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया था अब इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल को वापस से रिवाइव किया गया तो अब मद्रास और बॉम्बे की प्रोविंशियल लेजिस्लेचर फिर से वहाँ के लिए लॉज बनाने लगी इसी के साथ साथ कुछ और जगहों पर भी प्रोविंशियल लेजिस्लेचर बनाई गई जैसे कि बंगाल नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और पंजाब और हाँ यहाँ पर भी हर एक प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव में वो एडिशनल मेंबर्स, ऑफिशियल्स नॉन ऑफिशियल्स वाला कंसेप्ट रखा गया और मेंबर्स कितने होंगे वो हर जगह पे अलग अलग थे उसमें ज़्यादा डिटेल में हमें जाने की ज़रूरत नहीं है तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 ने एडमिनिस्ट्रेशन सेंट्रल लेजिस्लेशन और प्रोविंशल लेजिस्लेचर से रिलेटेड काफ़ी सारे चेंजेस किए अब देखते हैं कुछ और पॉइंट्स यहाँ पर क्या हुआ कि कि जो मिलिट्री रिलीजन फॉरेन अफेयर्स और पब्लिक रेवेन्यू अगर कोई भी बिल इन टॉपिक से रिलेटेड था तो उसे पास होने के लिए वायस की मंजूरी ज़रूरी थी वायस की मंजूरी के बिना इन टॉपिक से रिलेटेड कोई भी बिल पास नहीं हो सकता था और हम कह सकते हैं कि अगर कोई भी बिल सेंट्रल लेजिस्लेचर से पास हो जाता था तो वो लॉ बन जाता था बट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अगर चाहे तो सेंट्रल लेजिस्लेचर द्वारा पास किए हुए किसी भी लॉ को रद्द कर सकता था ये पावर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास थी तो ये था इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 बुक्स तो चैनल पर हिस्ट्री के बहुत सारे टॉपिक्स पर वीडियोस अवेलेबल हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से इंडिया के आज़ाद होने तक की सभी वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही और वीडियोज़ को देखते रहने के लिए बुक्स तवा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बुक्सवा